उसकी कीमत बढ़ाने के लिए यह कार्य कर रहा है, पर देखते वक्त तो ऐसा लगता है, काटता है तो लगता है रे 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 क्या कर दिया, इतने टुकड़े 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 कर दिए उसने, उसको नव जीवन प्रदान कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से आचार्य भगवान कहते हैं कि अगर जीवन में परिस्थितियां बिगड़ती है, तकलीफें आती है, संकट समस्याएं आती है, तो यह व्यक्ति को कमजोर बनाने के लिए नहीं अपितु बलजोर बनाने के लिए आती है, ताकि वह अपने बल को, अपनी शक्ति को, अपने सामर्थ्य को समझ सके। अज्ञानता से इस जीव ने अपने जीवन के अनमोल मोल को जाना ही नहीं है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, अपनी मनस्थिति को संतुलन बनाए रखे तो अपने जीवन के मूल्य को समझ सकता है, महिमा को समझ सकता है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि तुम समय के अनुसार समय सार का सार मत निकालना, समय के अनुसार मत निकालना, अपितु समय के अनुसार मतलब आत्मा के अनुसार जो परमात्मा ने कहा है उसके अनुसार निकालना, जो समय यानी आगम में कहा है उसके अनुसार ही उसका सार निकालना, आगम कहीं खो न जाए। अपनी स्वार्थ वृत्तियों के पीछे इसका तुम्हें ध्यान रखना है, अन्यथा ऐसा ही होगा जैसा पिता ने कहा बेटा शराब मत पीना। क्यों पिताजी, कभी तो आपने ऐसा कहा नहीं, आज ऐसा जोर देकर के क्यों कह रहे हैं? देखो बेटा अच्छी बात नहीं है शराब पीना, तुमने देखा ना ये शराब यहाँ पर पड़ी हुई है और इसके अंदर कीड़ा गिरा और गिरते ही मर गया, तुम्हारी पेट की क्या दशा होगी बेटा, मत पियो मत पियो। उससे कहा पिताश्री बहुत अच्छा आपने आज बता दिया, अब तो मुझे पीना बेहद जरूरी हो गया है, पीऊंगा ही पीऊंगा। पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ, पूछा बेटा ऐसा क्यों बोल रहा है? पिताजी कल ही मुझे वैद्य ने बताया था कि तुम्हारे पेट में कीड़े पड़ गए, तुम्हारे पेट में कीड़े पड़ गए, अब तो पीना बहुत जरूरी हो गया है। क्या सोच है देखिएगा आप, यदि दाएज प्रमाणम, यदि दिखाऊं, जब मैं दिखाऊं उस एकत्व विभक्त आत्मा को तो तुम उसमें छल ग्रहण मत करना, छल कपट मत करना, कहीं ना कहीं से अपना वही संसार का
देखा हुआ वही भटकने का रास्ता मत चुन लेना, मुक्ति का मार्ग चुनना, छल कपट मत करना। पत्नी बड़ी खुश हुई, पति की बात सुन करके घर पे आया और कहा बस आज से बंद 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 मतलब बंद। पत्नी बड़ी खुश, क्या स्वामी आज से बंद, बिल्कुल बंद? हाँ बिल्कुल बंद मतलब बंद, पक्की बात है ना? अरे पक्की क्या, कच्ची कहता ही कहूं मैं, पक्की बात कि आज से बंद मतलब बंद। तो पक्की बात है बंद? हाँ बंद है ना, मतलब कल से आज से ही शराब नहीं पिएंगे, बंद ना? अरे इसकी बात कहाँ कह रही हूँ, पीने की बात थोड़ी ना कर रहा हूँ। आज से अखबार पढ़ना बंद मतलब बंद बिल्कुल। कारण? अरे इतनी सारी बातें लिखते हैं बेफालतू की, शराब से ये हानि है, शराब से ये हानि है, इसके पीने से ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए आज से अखबार पढ़ना ही बंद। क्या करूं पढ़ करके, मुझे तो पीना ही पीना है, तो पढ़ने से क्या मतलब, और दिमाग खराब होगा, पढ़ूंगा और मेरे भीतर में नेगेटिविटी आएगी, नकारात्मक बातें आएंगी कि नहीं पीना चाहिए, पीते पीते भी नकारात्मकता आएगी। अब ऐसे व्यक्ति को क्या समझाए बताओ आप, शराब स्वयं नकारात्मकता ला रही है और स्वयं ही तुम्हारे लिए घोर हानिकारक है, तो वे बेहोशी में ले जाती है, मूर्छित कर देती है, जबकि हर पल जागने का है। ऐसे इंसान को समझाना बड़ा मुश्किल है। यह है छल की बातें, जदि दाएज प्रमाणम, जो मैं दिखाऊं उसको प्रमाण करना। हाँ चुके च, कहीं तुम्हें लगे, कहीं मुझे लगे कि मैं चूक गया हूं, हालांकि उन्हें तो लगेगा ही नहीं, महाज्ञानी है, फिर भी अपनी लघुता बता रहे हैं, यदि चूक जाओ तुम छल ग्रहण मत करना, विशेष ज्ञानियों से और पूछ लेना कि इसका अर्थ क्या है, समझ लेना उसे, पर समय सार का समय समय के अनुसार ऐसा कोई अनर्थ अर्थ मत निकाल लेना, नहीं तो अनंत चतुष्टय की प्राप्ति तो दूर, अनर्थ चतुष्टय के गर्त में चले जाओगे। अनंत चतुष्टय स्वाभाविक है और अनर्थ चतुष्टय, अनर्थ चतुष्टय अर्थात जो हमें स्वद्रव्य में न रमने दे, स्वक्षेत्र में न जाने दे, न है हम स्वक्षेत्र में ही लेकिन उसको जानने ही न दे, स्वकार स्वभाव को जानने ही न दे, ये है अनर्थ चतुष्टय, जिसको यह जीव अनंत अनंत काल से सेवन कर रहा है, अनर्थ चतुष्टय का उसी में रम रहा है, अनंत चतुष्टय की ओर आता नहीं, उसकी तरफ देखता नहीं, उसका लक्ष्य ही नहीं है, क्योंकि स्वभाव सन्मुख दृष्टि होती ही नहीं है। क्या करें, आचार्य भगवान तो समझा सकते हैं और उनका लक्ष्य यही है कि जैसे मैंने निजानुभूति की है उसी तरह से ये जीव भी निजानुभूति करे और अपने जीवन को सार्थक करे, नरभव को सार्थक करे, अपने लक्ष्य अपने गंतव्य को प्राप्त करे। लेकिन क्या करें, जैसी संगत वैसी रंगत है, जैसी संगति वैसी मति होती है। कल मैंने आपसे कहा था, कहानी शेष थी, उस व्यक्ति ने भी अपने तीन मित्र बनाए थे, पहला वो जिसको दिन में कई बार मिलता था, दूसरा वो जिसको दिन में एक आध बार तो मिलता ही था, और तीसरा मित्र जिसको साल छह महीने में एक आध बार मिलता था, नहीं मिलना पड़ता था, मिलता है और मिलना पड़ता है, उसमें अंतर है कि नहीं है? हाँ आप लोग क्या करें, अब माता जी अब आ ही गए हैं आप अहमदाबाद में, तो हमको तो आना ही पड़ेगा, क्यों क्या करें, अब आप आ ही गए हैं तो ठीक है आएंगे, यूनिवर्सिटी में सुनने के लिए मजबूरी है, नियम ले लिया कि जब तक माता जी आप हैं तब तक हमारा त्याग है, रात्रि भोजन का त्याग है, अब ठीक है चातुर्मास काल तक तो आप रहेंगे ही रहेंगे, अब हाँ चातुर्मास काल तक तो रहेंगे ही रहेंगे, फिर इसके बाद में माता जी आपको आचार्य जी जल्दी से विहार करा देते हैं क्या? पूछने का मतलब ताकि हम जल्दी से खा सकें,
पर ऐसा मुझे कोई व्यक्ति यहाँ अहमदाबाद का मिला नहीं अभी तक। हाँ, अभी तक जितने भी मिले हैं वो यही कहते हैं, माता जी एक आध साल तो आप रहिएगा। मैंने कहा एक साल तक रात्रि भोजन का त्याग रहेगा, सौभाग्य सौभाग्य मेरा, महाभाग्य है। ये बात बनी ना, मीत बनाओ तो ऐसा बनाओ जो तुम्हारी आत्मा से प्रीत करा दे, संसार की रीत भुला दे और सिद्धों की रीत तुम्हें समझा दे। मीत बनाओ तो ऐसा मीत बनाओ, खाली ऐसा मित्र नहीं जो तुम्हारे साथ में ताली बजाता रहे, खाली ताली मित्र नहीं चाहिए, ताली मित्र नहीं, जिसको कोई तुमसे लेना देना भी नहीं है पर मीत बन गया है, ऐसा खाली मीत भी नहीं चाहिए। तो चलो कोई ऐसे है, जब तक तुम्हारा जेब गर्म है तब तक मीत है वो तुम्हारा, जब तक जेब गर्म है तब तक वो मीत है तुम्हारा, तो ऐसा थाली मीत भी नहीं चाहिए। जो थाली में साथ देता है, खाने में साथ देता है, जेब गर्म है तो तुम्हारे आगे पीछे घूमता है, और जेब खाली हो गया तो दरकिनार हो जाता है, किनारा कर देता है तुमसे, ऐसा थाली मित्र भी नहीं चाहिए। ना हमें ताली मित्र चाहिए, ना खाली मित्र चाहिए, ना थाली मित्र चाहिए। और कुछ ऐसे भी तामसिक वृत्ति वाले मित्र रहते हैं जिससे उनकी कुसंगति में पड़ करके आज के कई युवा अपनी जिंदगी को बर्बाद कर चुके हैं, व्यसनों में लिप्त कर चुके हैं, व्यसनों के कीचड़ में लथपथ हो रहे, जैसे कि कीचड़ के अंदर कीड़ा बिलबिलाता है, ऐसे ही बिना व्यसनों के बिलबिलाते हैं, दुखी होते, तड़फते, ड्रग्स लेते हैं, इतने ड्रग्स शुरू हो चुके हैं, पीने में पता चलता ड्रग्स के आदि हो गए, क्या दुर्दशा होगी उनकी, जीवन खोखला होता जा रहा है, समझने की शक्ति खत्म होती जा रही है, अपने आप को बेहोशी में ले जाते हैं, इतने घंटे जीवन के बर्बाद हो गए। हम तो चाहते हैं प्रभु हर पल जागृत रह करके जी सके, निद्रा में भी न जाना पड़े, वो क्षण कब आए हमारे जीवन में, हर पल हम अपने आनंद में रम सके, वो क्षण कब आएगा। लेकिन आज के युवाओं की दुर्दशा होती जा रही है, माँ पिता को मालूम ही नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहे हैं, कॉलेज के नाम से जाते हैं, चार पांच घंटे छह घंटे बर्बाद होकर के आ जाते हैं। एक स्कॉलर प्रोफेसर कॉलेज जा रहे थे पर अचानक पता नहीं क्या हुआ कि वो पागल खाने पहुंच गए। जब पागल खाने पहुंचे तो वहां के द्वारपाल ने कहा कि सर आप यहाँ गलत आ गए हैं, ये पागल खाना है, ये कॉलेज नहीं है। मालूम है उस प्रोफेसर ने क्या कहा, मुझे मालूम है, लेकिन कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, पागल खाने और कॉलेज में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। वो द्वारपाल चूका, कैसी बात कर रहे हैं ये, हाँ हाँ ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, कॉलेज में अच्छा लड़का आता है और पागल होकर के निकलता है, और पागल खाने में पागल भर्ती होता है और अच्छा होकर के निकलता है, अंतर सिर्फ इतना है। बात समझने की, ये बड़ा व्यंग है आज के उन युवाओं के लिए जो कॉलेज में पढ़ते हैं और अपनी जिंदगी को बर्बाद करके निकलते हैं। सभी नहीं लेकिन अधिकांश ऐसी ही स्थितियां बनती चली जा रही हैं। वो मित्र जो प्याली मित्र हैं, प्याली का साथ देते हैं, पिलाने में साथ देते हैं, खुद बेहोश रहते हैं, मूर्छित रहते हैं और अपने साथियों को भी मूर्छित रखना चाहते हैं, और मूर्छा में न जाने कितने कितने पाप कर जाते हैं। एक और हमारे महासंत ऋषि मुनि, उनकी भी आंखें बंद रहती हैं, वो भी स्थिर रहते हैं, लेकिन अंतर कितना है, एक शव के समान मूक माटी। महाकाव्य में क्या सुंदर कविता आई है, आचार्य भगवान ने लिखी है, एक शव के समान पड़ा है और एक शिव के समान निखरा है। आहा, एक शव के समान पड़ा है पी करके बेसुध होकर के, और एक शिव के समान निखरा है। आंखें उनके भी मूंदी हुई हैं, स्थिर हैं, अचल हैं, लेकिन अपने परमात्मा तत्व को निरख रहे हैं, कर्मों के निर्जरा कर रहे हैं, धन्य हैं और परमानंद का अनुभव कर रहे हैं, और वो बेसुध पड़ा
क्या करे, बाप का पैसा है, बर्बाद करेगा ही करेगा, नहीं करूं तो क्या करूं, ये तो आज का स्टेटस है। अगर अपने मित्रों के बीच में रहूं और ना पीऊं तो लोग क्या कहेंगे, अरे तो बिल्कुल आउट ऑफ डेट है, कुछ समझता ही नहीं है, कैसा है यह, मेरी तोहीन करेंगे, मेरा उपहास करेंगे। शक्ति चाहिए तुम्हें, तुम्हें उनको समझाना है कि ये पीने के लिए जन्म नहीं लिया हमने, हमने जिनवाणी का रस पीने के लिए और एक अच्छी सी जिंदगी जीने के लिए यह जन्म लिया है, नहीं हम तो छू भी नहीं सकते। अगर आपने उसको अच्छे से समझाया, खुद समझे तो औरों को भी समझा सकते, खुद ही नहीं समझे औरों को क्या समझाएंगे। बेसुध पड़े अपनी जिंदगी को खो देते हैं और पशुओं जैसी हरकतें करते हैं, नाली के कीड़े बन जाते हैं उन क्षणों में जिन्हें अपने सुध नहीं रहती। कीड़े भी कम से कम चलते रहते हैं लेकिन वो तो उस वक्त चलने की भी हिम्मत खो देते हैं, कुछ नहीं ना बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, भान नहीं है, पड़े हैं बेसुध, ऐसी ही जिंदगी गुजरती चली जाती है। सौगंध है तुम्हें जिन धर्म के, जिन शासन की, अगर जैन नाम लिखते हो तो इस तरह की हरकतें बंद कर देना, इस प्रकार की क्रिया नहीं करना। अरे आज तो युवाओं की बात छोड़ दीजिए, युवतियां पी रही हैं, अधेड़ उम्र की महिलाएं पी रही हैं, लज्जा नहीं आती उन्हें अपने नाम के आके जेल लगाती है और इस तरह के कुकर्म करती है, घोर व्यसन महा दुखदाई। कहां तो जिनवाणी का रस पीने के लिए कहा है, कहां तो प्रभु ने कहा है कि तुम अपना आनंदामृत का प्याला पियो, और तुमने कौन सी संगति की है, कौन सा मित बनाया है, प्याली मित बनाया है तुमने, जो तुम्हें तो अपना तो खुद जीवन बर्बाद कर चुका है, उसे बताओ कि मैं जैन कुल में जन्मा हूं, मैं तो इसे छू तक नहीं सकता, आओ मेरे साथ में चलते हैं कहीं ऐसे स्थान पर, घूमना ही है ना, चलो प्रकृति के सौंदर्य में ले चलते हैं और वहां जाकर के प्रकृति के सौंदर्य में बैठ करके एक लय में प्रभु के गीत गाओ, तुम्हारी आत्मा प्रसन्न, नहीं तो किसी ऐसे गाने वाले गायक को लेकर के जाओ जो सुंदर से प्रभु के भक्ति के भजन गाए और प्रकृति खुश खुश हो जाती है, पुलकित हो जाती है, तुम्हारा रोम रोम पुलकित हो जाएगा, करो वहां पर प्रभु के गीत नृत्य करो, कितना अच्छा लगेगा तुम्हें। चले जाओ किसी झरनों के पास में, चले जाओ किसी देवालय में, जिनालय में, करो प्रभु के भक्ति गान करो, वहां पर तुम्हारे भीतर में भी आनंद आएगा और उस स्पंदन से कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, तुम्हारे परिवार सीखेगा कि मेरे पिता हमारे परिवार के लोग हर रविवार को ऐसे स्थान पर जाते हैं और वहां पर भक्ति नृत्य करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं। वाह, स्वर ईश्वर को देने वाला है, अगर स्वर सही दिशा में जाए तो वह ईश्वर को देने वाला है, ईश्वर का दर्शन कराने वाला है, लेकिन ये सब तो भूल गए, क्या बोलते हैं पी करके पता ही नहीं चलता, मुंह से क्या शब्द निकलते हैं और सारी सच्ची सच्ची बातें बता देते हैं, तुम्हारे घर में धन कहाँ छिपा पड़ा है उस वक्त कोई पूछे तो बता देंगे, हाँ ऐसी दुर्दशा हो जाती है उसकी, जो कराओ करा लो उससे, ये क्या जिंदगी है, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ना हमारी भारतीय संस्कृति है, ना हमारी जीव संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये विकृतियां है, पाश्चात्य विकृतियां हैं जो तुम्हें ले डूबेंगी। इसीलिए न ताली मित्र बनाना, न खाले मित्र बनाना, और न ही थाली मित्र बनाना, प्याली मित्र भूल करके भी नहीं बनाना, तो क्या बनाना, ये नहीं बनाना, वो नहीं बनाना, तो आखिर क्या बनाना, जिनवाणी मित्र बनाना, जिनवाणी मित्र, चलो जिनवाणी को श्रवण करने चलते हैं, हाँ चलो वहां जो फोन घंटे में मिलेगा वो तुम्हें दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, वो अमृत रस का प्याला मिलेगा, वो भोजन मिलेगा, ज्ञान अमृत का भोजन मिलेगा, परमानंद है वहां पर, सारी दुनिया की इन इंद्रिय विषयों से बिल्कुल परे है वह, चलो वहीं चलते हैं। तो मीत बनाओ, तो ऐसा बनाओ, तुमने इसको मीत बनाया और इस मीत के लिए ऐसे कुसंगति में पड़े व्यसनियों को तुमने अपना मीत बना लिया, पता नहीं कितना पैसा बर्बाद किया, कितना समय बर्बाद किया, कितना अपना जीवन बर्बाद कर दिया, अनंत जीवन बर्बाद कर लिए, ये जैन कुल में आए थे और यहां पर भी बर्बादी करने के लिए तुले हुए हो, सोचो भाई समझो।
इस संसार में सुख नहीं है, आपको सुख ढूंढना पड़ेगा। राग रंग की ओर मत जाओ, वितरागता की ओर आओ। एक भाव भी पूरा नहीं, 6 महीने लगा लो। हम चैलेंज करते हैं कि इस 6 महीने के अंदर तुम्हें ऐसा सतपथ मिलेगा कि अनंत संसार के दुख समस्याएं परिभ्रमण अलग एक तरफ और ये 6 महीने की जिंदगी तुम्हारी एक तरफ होगी। राग पर से जो किया तुमने तो क्या पाओगे, राग पर से जो किया तुमने तो क्या पाओगे, इस भवन में तुम हो ही भटक जाओगे। राग पर से जो किया तुमने तो क्या पाओगे, क्या पाओगे और अभी तक क्या पाया है बता दो। कहोगे कुछ नहीं, विकल्प, टेंशन, तरह तरह के दुख, उलझने, समस्याएं, कर्मों का तीव्र बंधन, संसार का भ्रमण, इसके सिवा कुछ हासिल नहीं किया। तो अपने आपे में आओ चेतन। पहला मित्र तुमने बनाया है इस शरीर को, जो शरारत ही शरारत करता है। शरारत करे सो शरीर, इस पुद्गल को अपना मित्र बनाया, जो पूरण गलन गलन पूरण गलन यही होता रहता है। कभी मोटा दुबला पतला काला गोरा, ये सब कुछ इसकी दशाएं हैं। और इसी को पुष्ट करने के लिए जो एक क्षण में एक समय में तुम्हारा साथ छोड़ देता है, ऐसे अविश्वासी के प्रति तुमने जीवन भर तक विश्वास किया, सारा अनमोल समय तुमने उसके लिए खो दिया, पहला मित्र तुमने उसको बनाया। और जब मौत का पैगाम आता है, अब कहानी आपकी शुरू होती है। तुम्हारा जब मौत का पैगाम आया, मौत ने कहा बताओ कौन सी गति में जाना है तुम्हें। आप कहोगे मैंने तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, मुझे अच्छी गति दिला दो, अच्छी गति में जाऊंगा मैं तो, स्वर्ग में देव बनूंगा। वो कहता है कहाँ अच्छे अच्छे काम किए हैं, मंदिर भी जाता था। हाँ मंदिर जाते थे, लेकिन क्यों जाते थे, दूसरों की बुराइयां करने के लिए, लड़कियां ढूंढने के लिए, किस लड़की के लिए कौन सा लड़का उचित मिलेगा ये, हाँ कौन गलत करता है, कितने तरह के लोग आते हैं, कितनी सासुएं आती है बहू की निंदा करने के लिए। तो कुछ बहुएं आई सासू माँ की निंदा करने के लिए। लक्ष्य क्या था तुम्हारा ये बताओ। मंदिर आए महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों आए थे ये महत्वपूर्ण है। प्रवचन सभा में आए महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों आए हो। तो क्या है ना माता जी, थोड़ा टाइम अपना पास भी हो जाता है। हाँ इतने सारे लोगों से मिलना हो जाता है। हमारा घर है ना गली में है, एकांत में, कोई दिन भर नहीं दिखता। यहाँ आ जाते हैं पौन घंटा तो इतने सारे चेहरे देखते हैं ना, खुशी होती है। सबके चेहरे देखता है पर अपना चेहरा देखने का कोई लक्ष्य नहीं है। मेरा असली चेहरा क्या है ये देखने का कोई लक्ष्य नहीं है। इतने जीव दिखाई देते हैं, देख करके खुश हो जाता हूँ, लेकिन स्वयं का जीव दिखाई नहीं देता, स्वयं की आत्मा दिखाई नहीं देती, उसकी पहचान का कोई लक्ष्य नहीं है। आ रहा है यहाँ पर लक्ष्य क्या है, वो क्या है ना माता जी, साल इतने कपड़े रहते कहीं पहन करके जाने का काम ही नहीं पड़ता हमारा। कितने तरह के सेट ले लिए, 50 सेट पड़े हुए हैं। कम से कम आप आ गए माता जी, इतनी खुशी हुई हमें, इतनी खुशी हुई, बहुत हम खुश हुए। मैंने कहा क्यों, काहे की खुशी हुई। डेली एक एक सेट पहन करके आते हैं, हाँ अच्छा लगता है। साड़ियां तरह तरह की पहन करके आते हैं, अच्छा लगता है। लक्ष्य क्या है तुम्हारा, क्या लक्ष्य है। ये शरीर तुम्हारा नहीं, उसके ऊपर जो लिपटाया है वो तुम्हारा नहीं, उसी को दिखाना क्या है ये बचकानी बातें हैं, बिल्कुल बचकानी बातें, अच्छी बात नहीं है। मैंने आपको बताया था ना पहले, काही अरिहंतों के कुल कुल जाया, काहे जिनवाणी माँ को भी भुलाया, क्यों तूने संतों की बात न मानी, सिद्ध
हरकत बचकानी सिद्ध समान तेरी हरकत बचकानी। क्या बात कह रहे हैं। अपने ही हाथों तूने घर में क्यों आग लगाई चेतन अपनी महिमा बुलाई चेतन अपनी महिमा न जानी मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई चेतन अपनी महिमा न जानी तूने अपनी महिमा भुलाई। कितने तरीके तरीके से आचार्य भगवान हमें समझा रहे हैं कि चेतन क्या हो गया तुझे, तू अपनी महिमा भुलाने को तत्पर है, अपने ही घर में आग लगा रहा है। तो अरे कौन ऐसा मूर्ख होगा जो अपने ही घर में आग लगा दे। बाहर के घर में आग नहीं लगाता क्योंकि उसको अपना घर मानता है, लेकिन चेतन को अपना घर नहीं मानता, इसलिए हर क्षण राग की आग जला रहा है, हर क्षण द्वेष की अग्नि में जल रहा है, धूं धूं करके जल रहा है, फिर भी इसे अफसोस नहीं है, अपने हाथों से जला रहा है। चाहे तो ज्ञानामृत के जल से तत्क्षण बुझा सकता है, इतनी क्षमता है इसके पास में। ज्ञानामृत का कुप भरा है, कुआ भरा है अमृत जल से, लेकिन उसका कोई सदुपयोग नहीं करता, अमृत जल को बर्बाद कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। इस देह को धोने में, घर की सफाई में, इसी में ही अपने ज्ञानामृत को समाप्त कर रहा है चेतन। एक बार सुधा जाए अपने निज घर की, अपनी चेतन आत्मा की, मैं क्या हूं, क्या कर रहा हूं प्रभु, मुझे क्या करना था, कहां ठहरना था और कहां ठहर गया, क्या किया मैंने, अगर ये बात समझ में आ जाए तो पहले नंबर के मित्र से मित्रता ही छोड़ दे। तो मौत का पैगाम आता है और मौत कहती है बताओ तुमने क्या क्या अच्छे काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं तो स्वर्ग में भेज दो, मनुष्य गति में भेज दो, और बुरे काम किए हैं तो तिरंज गति में भेज दो, और गलत काम किए तो नरक में ठेल दो। इंसान कहता है कि नहीं मैंने तो दान भी किया है, मुझे अच्छी सदगति होना चाहिए। कहाँ दान किया तुमने? अरे मैंने दान किया ना मैंने। क्या काहे का दान किया तुमने? वो मैंने चवन्नी डाली थी भंडार में। कहाँ से लेके आए थे चवन्नी को? वो रास्ते में गिरी पड़ी मिल गई थी ना, तो मैंने दान कर दिया था। सुन रहे हो आप लोग? बेईमानी करके पैसा इकट्ठा कर लिया और इतना मिल गया तो उसमें थोड़ा सा अंश सिंधु में बिंदु के समान दान कर दिया, और उसमें भी दान के साथ में मान कर लिया, उसमें भी समय पर पैसा दिया ही नहीं, रखड़ाते रहे, भटकाते रहे, ट्रस्टियों को ट्रस्ट कर दिया, त्रस्त कर दिया, ट्रस्ट को त्रस्त कर दिया, इतना परेशान कर दिया कि उनके जूते छिल गए विचारों के। क्यों? ये दान के तरीके हैं। अगर तुमने चतुर्मास में कलश के निमित्त से दिया है तो चतुर्मास के दरमियान उसका पैसा चुक जाना चाहिए, नहीं तो जब तुम चुकोगे ना तो वहां पर तुम्हें एक एक पैसा ऐसा भोगना पड़ेगा कि कभी पेड़ बन करके, कभी पशु बन करके, कभी पक्षी बन के वो तुम्हारा लूटेंगे, खाना पीना दाना पानी लूट लेंगे, वृक्ष बनोगे वो तुम्हारा जड़ों का पानी खींच लेगा। क्यों भैया? मैं ट्रस्टी था, तुमने पैसा दिया नहीं था उस वक्त, अब तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। क्या सोच रहे हो? अरे घर में खर्च न करो इतना तो चल जाएगा, लेकिन दान का पैसा बोला है तो उसको तो चुकाना ही, और जितना जल्दी चुकाओ बिना ब्याज के, महीने का ब्याज चढ़े इसके पहले चुका दो, ये उत्तम दान है। उत्तम दान यही है कि बोला और अपने हाथ में उसी वक्त दे दिया, ये उत्तम दान है। बोल दिया दे देंगे, कौन सी जल्दी है अभी,
और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, बोल जाते हैं कुछ, कर जाते हैं कुछ। वे महापापी चार दिन की चांदनी है बेटा, फिर घोर अंधेरी नरकों की रातें हैं। अपने बच्चों को भोगने के लिए धन रख करके चला गया, दिया नहीं उसने, दान का पैसा नहीं दिया, बच्चे भोगेंगे और खुद नरकों में दुख भोग रहा है, सागरों पर्यंत दुख भोग रहा है। ऐसे भी इस मुल्क में अभी अभी पापी जीव पैदा हो गए हैं जो दान का पैसा नहीं देते। अपनी सामर्थ है उतना ही दान बोलो, सामर्थ से ज्यादा मत बोलो। आज शांति धारा की है तो आज पैसा अपना दे दो, ये तुम्हारी शांति की धारा बहाने का कारण बन जाएगा। बोली आज दी है, आज पैसा चुका दो, 24 घंटे में ब्याज बढ़े इसके पहले दे दो, ये है तुम्हारा दान। किसको ठग रहे हो तुम, किसको धोखे में डाल रहे हो, खुद को धोखे में डाल रहे हो। बताऊंगी मैं उत्तम दाता कौन है, मध्यम कौन है, जघन्य कौन है, समय पर। आज तो आप इतना समझ लो कि अगर हमने बोलियां ली हैं तो हमें उसको सबसे पहले दान की राशि को चुका देना है। चातुर्मास हो जाते हैं, साल गुजर जाते हैं और ट्रस्टी को पैसा नहीं देते, क्या है ये? ये तो महापापी है, नारकी जीवों के ऐसे ही लक्षण होते हैं, ये ठीक बात नहीं है। या तो वो करार करे पहले से ही, पहले से बोली बोलते वक्त करार करे कि हम 1 करोड़ की बोली ले रहे हैं तो इतने दिन में चुका देंगे तो ठीक है। सच्ची बात तो यह है कि बोली बोलो और दे दो, ये उत्तम से उत्तम बात है, नहीं तो पाप का बोझा चढ़ता चला जाएगा। क्योंकि वो मान लीजिए किसी ने 50 लाख की बोली ली है, उसके घर में पैसा पड़ा हुआ है, उसका वह भोग भी कर रहा है, उसको दोष लगेगा, बिल्कुल दोष लगेगा। इसीलिए ये दान का तरीका नहीं है। आप किसी और को नहीं ठग रहे, खुद को ही ठग रहे, ध्यान रखना। तो पहली बात ये हो गई कि हम मीत बनाएं तो ऐसा बनाएं कि जो हमें सतपथ हमेशा दिखलाता रहे, कुपथ पर कभी ना चलाए। मौत का पैगाम आता है, सब छोड़ करके जाना है, बात चल रही है यही कि सब छोड़ करके जाना है, साथ में कुछ भी लेकर के जाना नहीं है। दबे दबे पाँव मौत आती है, आने दो मौत, जब आए तो मन मत घबराने दो, निश्चित ही मृत्यु से जीवन का अंत नहीं, प्राण मुखर होते हैं देह बदल जाने दो, प्राण मुखर होते हैं देह बदल जाने दो, दबे दबे पाँव मौत आती है आने दो। कोई डर नहीं है, जो धर्मात्मा होता उसको कोई डर नहीं होता, क्योंकि जिसका हिसाब किताब सही है, चाहे वो ऑफिसर आ जाए चेक करने के लिए, रेट पड़ जाए, उसको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हिसाब किताब एकदम क्लियर है। डर किसको लगती है? जिसका गड़बड़ घोटाला है वो डरता रहता है। तो जिसका हिसाब किताब जीवन का क्लियर है, साफ स्वच्छ है, उसको मौत से कोई डर नहीं लगती। दबे दबे पाँव मौत आती है आने दो, मौत जब आए तो मन मत घबराने दो, निश्चित ही मृत्यु से जीवन का अंत नहीं, प्राण मुखर होते हैं देह बदल जाने दो, प्राण मुखर होते हैं देह बदल जाने दो, जाने दो। क्या हो गया, कवच निकल गया, कोई बात नहीं। इतनी सहजता उसके जीवन में आ जाती है। तो जब मौत का पैगाम आया, उसने पूछा तो आपने भी 3 मित्र बनाए हैं, अब कौन जाएगा आपको वहां पर गवाही देने के लिए, मृत्यु का समय है। पहले मित्र के पास गए जिसको आप दिन में कई बार देखते हैं, निहारते हैं, साफ सफाई किसके लिए करते हैं बोलो ना, शरीर के लिए, नहलाना धुलाना किसके लिए, बोलते जाओ, आप तो सिर्फ बोलते जाओ, बोलो नहलाना धुलाना किसके लिए, शरीर के लिए, खिलाना पहनाना कमाना, हाँ, ये गाड़ियां किसके लिए, शरीर के लिए, कितनी बातें कहूँ, ये घर में सारा सामान किसके लिए,
ये जो आपकी दुकान फैक्ट्री है वो सारी किसके लिए? बोलो ना, शरीर के लिए, उसको खिलाना पिलाना उसी के लिए सब कुछ कार्य कर रहे हैं। ओहो, सब कुछ इसके लिए। कल आइएगा, दूसरे मित्र के पास जाना है, इतना जल्दी नहीं जा पा रहे हैं, क्या करूं। मैंने तो सोचा था आज तीसरे मित्र के पास ले चलो, लेकिन जा ही नहीं पाए, बीच में इतने अवरोध है, इतनी दीवारें हैं कि जा ही नहीं पा रहे हैं। कुछ तो विशेष है दूसरा तीसरा मित्र, और आप लोग पूरी तैयारी करके आइएगा। कल हमें दूसरे मित्र पर के पास में जाना ही है, और तीसरे मित्र जिसने बहुत अच्छी बात कही थी, याद है ना आपको? अरे मित्र, घबराने की क्या जरूरत है, तुम आ गए ना मेरे पास में, मेरा नाम ही बता देना, तुम कैसे रिहा हो जाओगे। क्या बात कही थी, आखिर वो कौन सा है हमारा तीसरा मित्र? कल हम उसके पास में जाने की पूरी कोशिश करते, लेकिन इसके लिए विशुद्धि की आवश्यकता है। इतनी विशुद्धि बढ़ा करके आइएगा कि कल तीसरे मित्र तक आप सभी पहुंच सके। चैतन्य चिदानंद धाम।